प्लेजर टू होस्ट यू सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. मंदार सर, पहले हम शुरू करते हैं अपने निफ्टी के लेवल से. आज मॉर्निंग में फ्लैट ओपनिंग हुई, उसके बाद एक अच्छा कट हमको देखने को मिला, 60-70 अंक तक का कट हम निफ्टी में बढ़ चुके हैं और अब एक फिर से बाउंस बैक है और निफ्टी इस समय हरे निशान में 5-5 कर रहे हैं. तो मार्केट्स का भी वोलेटाइल है क्योंकि अर्निंग का सीजन अभी चल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है. तो आपको क्या लगता है, जिस करेक्शन का हमको इंतजार है बहुत समय से, वो आएगी भी या इसी प्रॉफिट बुकिंग में निकल जाएगी? गीतू जी देखिए, बेसिकली करेक्शन जब हम कहते हैं तो करेक्शन दो चीज का होता है, एक तो प्राइस करेक्शन होता है और दूसरा टाइम करेक्शन होता है. तो ये दोनों कब होते हैं ये भी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. और मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन होता है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए करेक्शन. तो बेसिकली करेक्शन एक तो प्राइस करेक्शन होता है और दूसरा होता है टाइम करेक्शन. प्राइस करेक्शन कब होता है, तो प्राइस करेक्शन होता है जब कि प्राइस थोड़ा एग्जैजरेट करके उसकी जो मूव है वो थोड़ी और भाग लेता है. यानी प्राइस और बिजनेस हमेशा साथ में चलते हैं. तो प्राइस जब बिजनेस से बहुत आगे चल जाता है यूफोरिया के वजह से, डिमांड और सप्लाई के डिमांड साइड के स्ट्रांग होने के वजह से जब प्राइस थोड़ा एक्सीड कर लेता है उसकी मूव, तब उसमें प्राइस करेक्शन देखने को मिलता है. क्योंकि बिजनेस और प्राइस को साथ में चलना होता है और वो एक एडजस्टमेंट जो होता है बिजनेस और प्राइस का, उसे हम प्राइस करेक्शन कहते हैं. और दूसरी बात होती है कि टाइम करेक्शन. टाइम करेक्शन कब होता है कि जब प्राइस एक अपमूव दे देता है और अपमूव के बाद प्राइस एग्जैजरेट नहीं करता है मूव, यानी ज्यादा नहीं चलता है, बिजनेस के हिसाब से चल जाता है, बिजनेस अच्छा होता है इसलिए प्राइस को वही लेवल पे होल्ड कर पाता है. प्राइस ऑलरेडी चल चुका है तो और अगर चलेगा तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो उसकी वजह से साइडवेज काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में चलता है जिसको हम टाइम करेक्शन कहते हैं. तो निफ्टी में अगर हम देखें तो पिछले 3 हफ्तों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ मूव हमें देखने को मिली, 1400 पॉइंट्स का अपने में देखने को मिला. प्लस अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं, यानी पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स और ये क्वार्टर के अर्निंग्स, अप्रैल और जुलाई के बीच में अगर निफ्टी की मूव हम देखते हैं तो 17,500 के आसपास से निफ्टी अभी 20,000 तक ऊपर चला. तो 3 महीने में 3,000 पॉइंट का मूव, ये बहुत ही बढ़िया मूव है. और ऐसी बात है नहीं कि ये स्ट्रेट अप मूव है, बीच में छोटे छोटे करेक्शन, साइडवेज कंसोलिडेशन ये भी हमने देखे. तो अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक फास्ट काइंड ऑफ अ मूव ऑलरेडी निफ्टी ने बनाया वो एक्सपेक्टेशंस पे बना था, कि अर्निंग से जिस तरीके के एक्सपेक्टेशंस थे उस पे वो फास्ट काइंड ऑफ मूव हमें देखने को मिला. अब जब अर्निंग्स अनाउंस हो रहे हैं तब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव भी आ रहे हैं अर्निंग्स, कुछ डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स भी आते हैं. तो तब अब क्या हो रहा है कि इंडेक्स अब ये करंट लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है. तो ऐसी बात है नहीं कि बहुत नीचे के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, ऐसी बात है नहीं. 19,650 ये निफ्टी के लिए बढ़िया सा सपोर्ट है. सिर्फ अपसाइड जो है वो फिलहाल मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए 20,000 तक का लिमिटेड रहेगा, यानी 500 पॉइंट का रेंज होगा निफ्टी के लिए. और आज जैसे कि हमने इंट्राडे में देखा कि शुरुआत के इनिशियल पहले 2-3 घंटों में एक थोड़ा सा एक अपटिक देखा, नीचे खुला, फिर थोड़ा अपमूव देखा, लेकिन फिर से सेल ऑफ हुआ, अब फिर से बाउंस बैक हो गया. तो इस तरीके का जो मूव है दोनों डायरेक्शन में निफ्टी और यानी इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, इस तरीके का एक चौपी काइंड ऑफ अ ट्रेड हमें अगले कुछ दिनों के लिए देखने को मिलेगा. इसलिए इंडेक्स में थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करना है, नहीं किया तो ज्यादा बेहतर होगा. लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं कि जिसमें इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और बढ़िया बढ़िया से मूव भी बन रहे. तो इंडेक्स से फिलहाल तो बाहर रहें, इंडेक्स में ट्रेड ना करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करें. और जो कुछ आप ट्रेड करो स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि ये चौपीनेस वाला पीरियड है. तो चौपीनेस वाले पीरियड में स्टॉप लॉस के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और दूसरी आप चीज, एक और चीज जो कर सकते हैं वो है कि कम क्वांटिटी ट्रेड करें. जब आप कम क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्क भी कम होती है. तो ये दो चीजें चौपीनेस वाले मार्केट में करनी है. चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करते हैं. उत्कर्ष अग्रवाल जी लिखते हैं कोलकाता से, LIC के 500 शेयर एट द रेट ऑफ 625, इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकता है और कैसा लगता है आपको ये चार्ज? गीतू जी देखिए, इमीडिएट अभी करंट लेवल्स पे तो टारगेट प्राइस के बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे.
क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है लिस्टिंग से, तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। अब जी, पिछले 3 महीनों में हमने बाउंस बैक जरूर देखा है, 530 के लेवल से ये स्टॉक ऊपर में 650 के लेवल्स तक चला, लेकिन पिछले 3-4 हफ्तों से जो करंट लेवल्स बनी है 430 के, 430 का एक पिवट बना है, उसके एक 10-20 रुपया ऊपर और एक 10-20 रुपया नीचे, इस तरीके का एक इस स्टॉक में एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ अ ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो सिक्स ओके फिफ्टी सिक्स सिक्सटी का ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ये वॉच करना है, ये अगर ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चलता है तो 740-750 के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन इमीडिएट लॉन्ग टर्म पे और आगे वाले टारगेट्स इसमें अभी तो नहीं देखने को मिलेंगे। फिलहाल ओके ये लेवल्स जो है ये वॉच करना है, आगे जाते हुए एक एक करके फिर आगे के लेवल्स ओपन अप होते जाएंगे, तो मुझे लगता है 640-650-660 फिलहाल लेवल वॉच करनी है, और उसके आगे अगर चलता है तो 740-750 का टारगेट बनेगा। जो इनकी एक्सिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए स्टॉप लॉस 590 का होना चाहिए, तो 590 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो उत्कर्ष जी, आपको 590 यानी कि 590 के साथ एक स्टॉप लॉस रखे, इस लेवल के आसपास आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 650 या सिर्फ 660 के टारगेट के ऊपर निकलता है, उस रेजिस्टेंस को पार करता है और सस्टेन करता है, तो 700 प्लस लेवल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। अभी आपको हम टारगेट प्राइस नहीं दे सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आप अपनी पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 590। संदीप हमें लिखते हैं इंदौर से, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के 1000 शेयर है उनके पास एट द रेट ऑफ 265, होल्ड करें या बेच दें, ये उनका सवाल। देखिए इस केस में भी 2021 में जो स्टॉक ने एक हाई किया था 620-625 के आसपास, तब से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, तो 620 से स्टॉक नीचे में 220 तक आ चुका है, करंट 245-50 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मुझे तो लगता है कि इसमें प्राइस करेक्शन जो है वो डन है, अब सिर्फ टाइम करेक्शन की राह देखनी है, तो इसलिए फिलहाल तो मुझे लगता है कि पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो करंट लेवल्स हैं 240 के आसपास, यहाँ पे इस स्टॉक में सपोर्ट भी बनता है, तो पॉसिबली एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, 280-300 का जो रेजिस्टेंस है वहां तक, वो अगर ब्रेक होता है फिर आगे की लेवल्स डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल तो राय रहेगी कि होल्ड कीजिए और कुछ दिन देखिए कि किस तरीके से ये प्राइस मूव दिखाता है, अगर 280-300 ब्रेक करता है तो फिर से पूछिए, तो आगे के लेवल्स डिस्कस कर पाएंगे, फिलहाल जो पोजीशन है आपकी 238 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी। तो संदीप जी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को आपको होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 238। 238 का स्टॉप लॉस लगा के आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के स्टॉक को होल्ड करिए, और अगर इसको 300 का आंकड़ा पार करता है तो एक बार फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर सवाल दे सकते हैं, हम उसको फिर से आपको रिव्यू करके आगे का नजरिया बताएंगे, पर अभी के लिए आप इसको होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 238। मेघना मिश्रा जी हमें लिखती है कानपुर से, टाटा स्टील के 4000 शेयर एट द रेट ऑफ 105, एक साल के लिए कैसा रहेगा ये स्टॉक, क्या करना चाहिए, आज इसके नतीजे भी है अंदाज सर। देखिए पिछले 2 साल से तो ये स्टॉक नैरोइंग कंसोलिडेशन में है, तो 150-155 के लेवल्स छूने के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूअसली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम करते हुए नीचे आ रहा है, लेकिन एक नैरोइंग काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, ऐसी ऐसी बात भी नहीं कि कंटिन्यूअसली ये डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, नीचे की तरफ 100 रुपए के आसपास, 90 रुपए के आसपास इस स्टॉक में सपोर्ट भी बढ़िया सा बना हुआ है, तो जब तक ये नैरोइंग कंसोलिडेशन में है तब तक तो व्यू रहेगा कंसोलिडेशन का, यानी रेंज बाउंड काइंड ऑफ अ ट्रेड का, अब जो करंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे इस स्टॉक में रेजिस्टेंस भी बनता है, अब मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए, तो अर्निंग्स देखनी चाहिए कि अर्निंग्स किस तरीके से आते हैं, और अर्निंग्स के बाद क्या ये स्टॉक ऊपर में जो इसका रेजिस्टेंस है 125 का ये ब्रेक कर पाता है या नहीं पाता है, अगर नहीं रेजिस्टेंस ब्रेक कर पाता है अर्निंग्स के बाद तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग करना ये बेहतर स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि उस केस में व्यू इस तरीके का होगा कि ये जो कंसोलिडेशन हमने पिछले 1.5-2 साल से देखा है ये और 1 साल कंटिन्यू हो सकता है, तो 125 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और अर्निंग्स भी इंपॉर्टेंट है, तो अर्निंग्स के बाद 125 का लेवल ब्रेक होता है कि नहीं देखना है और उसके बाद डिसाइड करना है, नहीं होता है तो प्रॉफिट बुकिंग करना बेहतर होगा। तो मेघना जी, आपको टाटा स्टील के नतीजों पर ध्यान रखना होगा, आज नतीजे घोषित होंगे कंपनी के, आप प्लीज उसका एक बार रिव्यू करिएगा, लेकिन अभी के लिए आपकी राय ये बन गई है कि अगर ये 125 के ऊपर निकलता है नतीजों के बाद, एक अच्छे नतीजे आते हैं, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं।
और अगर उसके ऊपर सस्टेन रहता है, और अगर सस्टेन नहीं होता है तो फिर अगर नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि अभी भी आप प्रॉफिट में है, 115 के आसपास का स्तर है, तो यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट तो आपको अभी भी है। अगर थोड़ा सा भी आप मूव आता है लेकिन 125 के ऊपर नहीं जाता, वहां से फिसल जाता है वापस, तो आप प्रॉफिट बुक करके साइड लाइन पे हो जाइए। जब थोड़ा स्थिर हो जाएगा काउंटर, मोमेंटम वापस आएगा, तो आप फिर से सवाल पूछ के अपनी पोजीशन बना सकते हैं। कुछ सवाल आपके पास यूट्यूब के जरिए आए हैं मंदार सर, जब आप आते हैं तो बहुत सारे लोग जो अपने प्रश्न के लिए तैयार हो जाते हैं प्रश्न लेके। आज राजेश कुमार जी का सवाल है, हेलो सर, वॉच ACE 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 77 ACE, आई थिंक इट्स एक्शन कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट, काइंडली सजेस्ट योर व्यू फॉर 5 years विद रिगार्ड्स राजेश। देखिए एस का जो अगर मैं चार्ट देखता हूँ, लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूँ, तो मुझे तो ये स्ट्रेच लगता है, यानी इमीडिएट ये यहाँ से स्टॉक में शायद ये एक स्पर्ट जरूर देखने को मिल सकता है 650-700 के लेवल्स तक, लेकिन वहां पे सस्टेन होगा ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त इसमें स्ट्रेट काइंड ऑफ एन मूव देखने को मिली, यानी अगर लेटेस्ट वाली भी आप अगर मूव देखो तो मई 22 पिछले साल बराबर एक साल पहले ये स्टॉक 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो 200 से ये स्टॉक ऊपर में 640-650 तक एक साल में ऑलरेडी चल चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। चार्ट फॉर्मेशन तो पॉजिटिव है, नो डाउट अंडर करंट भी लग रहा है, लेकिन ये लेवल्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना बेहतर होगा, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर कीजिए, और 480 का एक स्टॉप लॉस होगा कि जो इनके केस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, तो 480 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री की तो राय यहाँ पे नहीं होगी, कंसोलिडेशन के बाद उसके बारे में भी व्यू ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्ट्रेच लग रहा है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए। 77 रुपीज में खरीदा हुआ स्टॉक और आज करीबन 500+ में है, काफी अच्छे लेवल्स पे एंट्री की है राजेश जी ने, प्रवेशी आपके लिए सलाह है कि काफी स्ट्रेच लग रहा है, काफी अच्छा मूव हम देख चुके हैं, आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए और बाकी स्टॉक्स जो है आपके पास होल्ड करिए। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या होगा सर? स्टॉप लॉस होगा 480 का, 480 के स्टॉप लॉस, 480 के स्टॉप लॉस के साथ बाकी के आधे शेयर जो आप रखेंगे उसे होल्ड कर सकते हैं। लुइस का सवाल है, डीसीएम श्रीराम, इसमें 3 महीने का टारगेट क्या हो सकता? देखिए ये जो करंट लेवल से 900, 920, 940 के आसपास ये लेवल्स पे स्टॉक पे बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस है, यानी पिछले अगर आप 9 से 10 महीने का अगर हम चार्ट देखते हैं तो मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ये लेवल्स पे आके यहाँ से नीचे आ चुका है, तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक ऊपर के लेवल्स थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन 920 940 का लेवल जब भी ये ब्रेक करके ऊपर चलेगा तब इसमें हमें एक फास्ट मूव 1100 तक की मूव हमें जरूर देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म व्यू तो अभी ले नहीं सकते, अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म का तो ये व्यू बनेगा 920 940 का लेवल आप वॉच कीजिए। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं हम, विशाल प्रताप सिंह अभी लिखते हैं सूरत से, M&M फाइनेंशियल में क्या खरीदारी का मौका है? देखिए M&M फाइनेंशियल के केस में इसमें एक 319-320 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और मेजर रेजिस्टेंस इसलिए कि 2018 में ये जब प्राइस ये लेवल तक आया था बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ ऊपर चल रहा था प्राइस, लेकिन उसके बाद 2018 के बाद इस स्टॉक में बहुत ही भारी बिकवाली देखने को मिली, यानी 320 के लेवल से ये स्टॉक नीचे में 75 रुपए तक गिरा, तो इसलिए ये जो रेजिस्टेंस है 319-320 का ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस बनता है। अब लेटेस्ट में अगर देखते हैं तो पिछले महीने ही ये स्टॉक ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला, अब इस तरीके का जब कोई मेजर रेजिस्टेंस प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो आइडियली वहां पे वॉल्यूम आना बहुत जरूरी होता है, यानी इस तरीके का रेजिस्टेंस अगर वैलिड ब्रेकआउट है नहीं है ये कैसे जान लेते हैं, तो वॉल्यूम्स के बेसिस पे, लेकिन जब ये ब्रेक करता है ये ऊपर का लेवल तब समाओ वॉल्यूम मिसिंग है, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये ऊपर में सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ लेकिन आपको अगर पोजीशन अगर बनानी हो तो शॉर्ट टर्म चार्ट पे ये जो फिलहाल करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है 350-45 के लेवल से 310 तक ये स्टॉक नीचे आ चुका है, तो करंट लेवल्स पे ये स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म का अगर व्यू हो, स्विंग ट्रेड का अगर व्यू हो,
तो पोजीशन जरूर बना सकते हैं, 290 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और फिर से जब आपको एक मूव मिलती है 330 340 तो वहां पे आप पार्शियल प्रॉफिट या प्रॉफिट बुकिंग पूरा कर सकते हैं। तो विशाल जी आपके लिए सलाह है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस रखिए 290 का और 290 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, और जब भी स्टॉक में 20-30 रुपए का मूवमेंट आता है तो वहां निकल जाए तो अपना प्रॉफिट वहां पर बुक कर सकते हैं आप। तो शॉर्ट टर्म में ये सलाह दे रहे हैं आपको। अभिषेक वर्मा में लिखते हैं आगरा से, यस बैंक के 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर, मुनाफा हो रहा है, बने रहे या निकल जाए? नतीजे आए, नतीजों ने थोड़ा निराश ही किया, बट इनलाइन ही थे, एज एक्सपेक्टेड ही थे, पर जैसा एक अच्छा मूव हमने बाकी बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स पे देखा वैसा यस बैंक के देखने को नहीं मिला। आज करीबन 2% की गिरावट के आसपास हमने देखी उस काउंटर में, क्या सलाह देंगे आप सर? गीतू जी देखिए, करंट लेवल्स पे स्टॉक में बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, यानी मल्टीपल टाइम्स, आपने पिछले एक साल का अगर आप चार्ट देखो तो आपको समझेगा मल्टीपल टाइम्स ये लेवल से ये स्टॉक नीचे आ चुका है, तो जब तक ये 18 रुपए का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है तब तक ऊपर के लेवल्स तो एक्टिवेट नहीं होते हैं, प्लस अर्निंग्स भी थोड़े से डैम्पनिंग थे, यानी इस अर्निंग्स में ऐसा कुछ नहीं था कि जो एक इन्वेस्टर को वो कॉन्फिडेंस दे पाए कि हाँ ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चलेगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक किया तो अच्छा रहेगा, 15 रुपए की इनकी खरीदी है तो अच्छा मुनाफा भी हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करिए, और बाद में या फिर ये प्रॉफिट बुक करके आप कोई पीएसयू बैंक में चले जाइए जहां पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अभिषेक जी आपको यस बैंक में प्रॉफिट बुक कर लेना है, 15 रुपए की आपके करीब है, 17-17.5 के आसपास ही चल रहा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बेहतर बैंक में आप निवेश कर सकते हैं। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक से काफी अच्छे नतीजे आ रहे हैं और काफी स्टेबल बैंक भी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर काफी काफी सुधार हमने पीएसयू बैंक के बुक्स पे देखा है। तो मंदार जी कौन सा काउंटर है जो आप सुझाएंगे, अगर ये यस बैंक से निकलते हैं तो कौन सा पीएसयू का स्टॉक लेना चाहिए? गीतू जी कैनरा बैंक ये बढ़िया सा बैंक होगा, 347-348 के लेवल पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 330 का स्टॉप लॉस इसमें होगा, 330 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बाय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप एक 3-6 महीने का व्यू रखो इस स्टॉक में तो आपको 390 से लेके 440 इस तरीके के स्टॉक में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। गीता अमरिकती जलंधर से, सिटी यूनियन बैंक के 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 140 पर शेयर, इसका टारगेट प्राइस क्या होगा? टारगेट प्राइस पूछते हैं सारे, पर पता नहीं है उनको कि कहां पे जाना है स्टॉक को। जी, इसमें टारगेट तो हम कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टॉक में उस तरीके का स्ट्रेंथ नहीं बन रहा है, यानी एक पॉजिटिव जो इस पूरे इस चार्ट पे जो देखने को मिलेगा वो है कि पिछले 3-4 साल का जो एक सपोर्ट बना हुआ है 120-110 के आसपास, उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब स्ट्रेंथ मुझे लगता है कि यानी इन्होंने भी, गीता जी ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ लेनी चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो मार्केट के साथ परफॉर्म कर रहा है या फिर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। जो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है ऐसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। अब ये अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, तो आप अगर 2020 से अब तक का अगर चार्ट देखो तो कोविड के फॉल के वक्त जिस लेवल पे ये स्टॉक बना हुआ था उसी लेवल पे आज भी है, और इस समय के दौरान हमने देखा है कि स्टॉक्स में 5 times 10 times 15 times 20 times भी रिटर्न जनरेट कर चुके हैं स्टॉक्स। तो ये तो मार्केट परफॉर्मर है नहीं, ये अंडर परफॉर्मर है, तो अंडर परफॉर्मर में आपने नहीं रहना है। अगर आपको इस स्टॉक में बने रहना है तो इसका मैं स्टॉप लॉस आपको सुझा सकता हूँ, 105 का स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि 120 और 110 का इसमें सपोर्ट बढ़िया सा बनता है, लेकिन ऊपर के अभी फिलहाल हम टारगेट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक के बारे में बात की, कैनरा बैंक का मैंने ऊपर का टारगेट बताया, और क्यों? क्योंकि एक अपट्रेंड में स्टॉक बना हुआ है, रेजिस्टेंसेस ब्रेक करके ऊपर चल रहा है, कंटिन्यूअसली जब भी नीचे आ जाता है नीचे में बाइंग आ जाता है, तो उस तरीके का स्ट्रेंथ अगर होगा तो हम ऊपर के लेवल्स के बारे में भी डिस्कस कर पाएंगे। मेरी तो राय रहेगी कि इस अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक से आप शिफ्ट हो सकते हैं, कैनरा बैंक जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें पोजीशन बना सकते हैं, वो ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी होगी।
तो गीता जी, सिटी यूनियन बैंक में अगर आप निवेशित रहना चाहती हैं इसी स्टॉक में, तो स्टॉप लॉस लगाइए 105 का और निवेशित रहिए। लेकिन अगर आप पंडा जी की सलाह मानेंगे तो आप अंडर परफॉर्मिंग बैंक से निकलना आपके लिए सही रहेगा। और जो बैंक उन्होंने सुझाया है, जैसे कैनरा बैंक जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, आप उसमें शिफ्ट करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, तो आपको बेटर रिटर्न मिल सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म को आप का फायदा भी उठा सकते हैं। तो बेटर है कि आप यहाँ से एग्जिट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। किरण का सवाल आया है यूट्यूब पे, सर हिंद कॉपर Q1 टारगेट प्राइस नियर टर्म। हिंद कॉपर में इन्वेस्टमेंट है इनकी, क्वार्टर वन का टारगेट प्राइस क्या हो सकता है? क्वार्टर वन तो हो गया है, आई थिंक एक क्वार्टर का टारगेट प्राइस पूछ रही है 3 मंथ्स का। देखिए हिंद कॉपर के केस में भी एक कंसोलिडेशन का व्यू है, पिछले दो ढाई साल से ये स्टॉक आप अगर देखो तो एक साइडवेज काइंड ऑफ कंसोलिडेशन है, प्राइस करेक्शन डन लग रहा है लेकिन अब टाइम करेक्शन की देरी है। 190 के लेवल से ये स्टॉक नीचे 80-85 तक ऑलरेडी आ चुका है, अब जो करंट लेवल से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें लेवल्स कौन सी वॉच करनी है, तो 130-135 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो वॉच करना चाहिए, और नीचे की तरफ इसमें जो सपोर्ट बनता है वो 95 के आसपास है। तो ये 130 और 95 इस तरीके का इस स्टॉक के लिए फिलहाल तो रेंज बना हुआ है, तो जब तक ये रेंज में बना हुआ है तब तक ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा। जब 130-135 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब मुझे लगता है कि हमने रिव्यू करना चाहिए, तो फिर से अगर ये पूछना है तो फिर ऊपर के टारगेट्स के बारे में भी डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल तो व्यू कंसोलिडेशन का है। मंदार जी, दो तीन स्टॉक से बारे में बात करेंगे। एक PFC जो इस समय 7.5% ऊपर काम खर्च कर रहा है, REC जहां पे 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है, RVNL 4% के आसपास इस समय काम खर्च कर रहा है लेकिन मॉर्निंग में 5-6% का एक जंप हम स्टॉक पर देख चुके हैं। तीन ही स्टॉक्स चार्ट पे कैसे लग रहे हैं आपको? गीतू जी, RVNL के साथ स्टार्ट करते हैं, तो RVNL का अगर मैं डेली चार्ट अगर मैं देखता हूं तो ये बढ़िया लगता है। पिछले मई के महीने से, मई जून और जुलाई का हाफ यानी पिछले दो ढाई महीने से ये स्टॉक एक नैरोइंग काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में बना हुआ था, और इस स्टॉक ने 20 तारीख को यानी थर्सडे के दिन लास्ट वीक एक ब्रेकआउट जनरेट किया, तो एक फ्रेश काइंड ऑफ एन अपमूव इस स्टॉक में जरूर बन सकती है। इसमें इस फॉर्मेशन का जो ऊपर का टारगेट है वो मुझे लगता है कि 180 से 190 तक का होना चाहिए। अगर इसमें कोई फ्रेश पोजीशन अगर लॉन्ग पोजीशन बना लेता है तो इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 118 का होगा, तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी अपमूव बनी गई ऐसे लग रहा है। दूसरा जो स्टॉक है REC में भी आज के अगर इंट्राडे मूव देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया सी मूव है, फिलहाल 8% अप ट्रेड कर रहा है। अब इसमें ऑलरेडी एक मूव बन चुकी है तो करंट लेवल्स पे थोड़ा सा फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन जब मैं लॉन्ग टर्म चार्ट इसका देखता हूं तो बहुत बढ़िया लगता है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि इसका अगर आप 2010 से लेके अब तक का अगर आप चार्ट देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो 150 से लेके 165-170 का ये जो लेवल है, करंट लेवल जहां पे ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था, यानी एक बहुत ही जबरदस्त सप्लाई जोन था। हर बार जब ये स्टॉक ये लेवल्स पे आया है यहां से ये नीचे में 60 रुपए तक गिरा है हर बार, यानी आप 2010 से लेके 2011 का पीरियड देख लो, या फिर उसके बाद 2014 से लेके 2016 का पीरियड देख लो, या फिर 2017 से लेके 2018 का पीरियड देख लो, ये पूरा एक बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस बैंड, सप्लाई जोन जिसे हम कहते हैं, इस तरीके का ये पूरा बैंड है। तो फिलहाल 174-175 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें ये महीने में थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए, क्या ये बैंड ब्रेक करके सही में ऊपर ट्रेड कर पाता है नहीं पाता है, ये हमने देखना बहुत जरूरी है। तो अभी तो रेजिस्टेंस के आसपास है, नीचे में अगर किसी ने पोजिशन बना ली है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। अगर फ्रेश ट्रेड लेना हो तो मुझे लगता है मंथली क्लोजिंग की राह देखनी है, जुलाई महीने का जो क्लोजिंग होगा उसमें हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट का व्यू बनेगा या नहीं बनेगा। उसी तरीके से एक सिमिलर काइंड ऑफ अ चार्ट आपको PFC का देखने को मिलेगा, तो PFC के केस में भी अगर देखते हैं तो ये जो लेटेस्ट वाली मूव है 100 रुपए से जो चली थी, आज देखिए आज सेम REC की तरीके से ये भी 7% अप, लेकिन मुझे फ्रेश पोजिशन तो अवॉइड करनी चाहिए। अगर किसी ने ऑलरेडी पोजीशन बना ली है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए लेवल्स पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच लग रहा है,
यूफोरिया है ये दोनों स्टॉक्स में, इसलिए ये स्टॉक्स ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इस बीच एक और सवाल लेते हैं, यूट्यूब पे आया है राजीव संगवाल जी का सवाल है, लैंसर कंटेनर एंड पैसा लो डिजिटल बाइंग लेवल्स व्यू, सिक्स मंथ्स का व्यू है, सिक्स मंथ्स के व्यू के साथ ये दोनों ही स्टॉक्स आपको कैसे, लैंसर कंटेनर एंड पैसा लो। देखिए लैंसर के केस में तो स्टॉक में स्ट्रेंथ फिलहाल तो नहीं लग रही है, यानी लिस्टिंग के बाद हमने स्टॉक में एक अपमूव जरूर देखा था, नवंबर तक ये स्टॉक ऊपर में चल रहा था, 250-255 के लेवल्स तक ऊपर में चला, लेकिन तब से स्टॉक में करेक्शन बन रहा है, ऊपर चलने की कोशिश करता है, 170-180 के आसपास स्टॉक में एक सप्लाई जोन है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, रेजिस्टेंस है वहां पे, नीचे की तरफ इसमें जो सपोर्ट है फिलहाल वो 130 के आसपास है, तो 130 से लेके 170-175 इस तरीके का एक रेंज है स्टॉक में बना हुआ। मुझे यानी अभी स्टॉक में तो इस तरीके का स्ट्रेंथ नहीं लग बन रहा है कि जिसके वजह से ऐसा मैं यानी ऐसा चार्ट बोल पाए कि आपने पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि एग्जिट किया तो ज्यादा बेहतर होगा, और जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उनके साथ आप रहिए, ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा जो स्टॉक है पैसा लो, उसमें भी आप अगर देखो तो एक फिलहाल तो एक करेक्शन मोड में है, ये स्टॉक भी ऊपर में जब भी 85-90 के ऊपर के लेवल्स को चलने की कोशिश करता है बिकवाली आ जाती है, और 2021 से इस तरीके का एक ट्रेड देखने को मिल रहा है। अब जो करंट लेवल्स है 45-50 के, यहाँ पे सपोर्ट भी बना हुआ है नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अपसाइड फिलहाल लिमिटेड है, तो मुझे लगता है सेम काइंड ऑफ अ व्यू कि एग्जिट करके अगर परफॉर्मिंग स्टॉक्स के साथ आप जाओ तो वो ज्यादा बेटर होगा। चंदन पाठक का सवाल है, झांसी से लिखते हैं उन्होंने, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के 100 शेयर उनके पास है, @1052, 2 साल के लिए कैसा रहेगा ये स्टॉक? देखिए मुझे तो लगता है कि इस स्टॉक में 2 साल के व्यू से कंसोलिडेशन ही बना रहेगा। अब करंट लेवल्स पे अगर हम देखते हैं तो ये जो 1100 के आसपास वाले लेवल्स है इसमें इस स्टॉक में रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी पिछली बार भी जब ये लेवल्स के आसपास आया था 21 और नवंबर 21 में, तब यहाँ से इसमें जो सेल ऑफ देखने को मिला वो सीधा स्टॉक को नीचे 650 तक ले आया, तो इस तरीके का एक मेजर रेजिस्टेंस बैंड है इस लेवल पे, इसलिए जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक आगे का व्यू नहीं बनेगा, इसलिए मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का व्यू ही होगा, ऊपर की तरफ 1100-1150 का रेजिस्टेंस बनेगा और नीचे की तरफ 900-850 के आसपास इस स्टॉक में सपोर्ट बनेगा, तो ये 2 लेवल्स के बीच में ही ये स्टॉक ट्रेड करेगा, इस तरीके का व्यू है। ठीक, तो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, HCC जहाँ पे आज करीबन 6% का इजाफा देखने को मिल रहा है, और एक और स्टॉक है अंबुजा सीमेंट जहाँ पे 2% का इजाफा है, बहुत दिनों के बाद एक आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अल्ट्राटेक के नतीजे आए हैं वो अच्छे ही आए हैं, और ये उम्मीद है कि बाकी सीमेंट स्टॉक्स के नतीजे भी अच्छे ही आएंगे, क्या कहेंगे आप? गीतू देखिए अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी अगर मार्केट में डायरेक्शन या कोई भी स्टॉक का प्राइस में अगर डायरेक्शन आपको चाहिए तो अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग्स अगर सपोर्ट करते हैं, अर्निंग्स अगर बढ़िया से आते हैं तो प्राइस में मूव हमें जरूर देखने को मिल सकती है, और उसी तरीके से अंबुजा का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो एक पिछले अगर 2 हफ्तों से अगर आप देखो तो बहुत ही नैरो रेंज में, बहुत ही एक इनडिसीजन काइंड ऑफ अ व्यू से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे लगता है कि शायद अर्निंग्स के लिए रुका हुआ है प्राइस, तो सपोर्ट कहाँ पे बनता है तो 410 का इसमें सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है तो 425 का रेजिस्टेंस है, तो एक ₹15 के रेंज में पिछले 2 हफ्तों से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर ये लेवल्स में से कोई भी एक लेवल ब्रेक कर देता है यानी 425 अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो हमें अपमूव देखने को मिलेगी, 440-470 इस तरीके के टारगेट्स बन जाएंगे, अगर नीचे में अगर ये 410 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो शायद 390-380 तक का एक फॉल भी देखने को मिल सकता है, तो एक इनडिसीजन काइंड ऑफ अ व्यू है, 410 को 425 ये 2 लेवल्स हमने मॉनिटर करनी है, और अर्निंग्स के बाद किस तरीके का कौन सी लेवल ब्रेक होती है उसके उस पर डिपेंड होगा किस तरीके का आप पोजिशन बनाओ। और जो दूसरा स्टॉक आपने कहा HCC, तो HCC मुझे लगता है कि ये लेवल्स पे बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस बैंड है, 22
2250 ये जो पूरा लेवल है ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होता है तो यस इसमें एक फ्रेश काइंड ऑफ यानी एक पूरा फ्रेश इंटरेस्ट स्टॉक में बहुत सालों के बाद जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन वो ब्रेक होने की राह देखनी हमने बहुत जरूरी है, 2250 ये लेवल वॉच करना है। सर आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स? गीतू जी सबसे बढ़िया वाला स्टॉक यानी वो रहेगा अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखो तो 2018 में स्टॉक ने 165-169 इस तरीके का एक ऑल टाइम हाई किया था, तब वहां से ये स्टॉक नीचे में 30-35 रुपए तक गिरा था। अब फिर उसके बाद ऊपर चला 2020 से एक अपट्रेंड में बना हुआ है, लेकिन इमीडिएट ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाया है। पिछले अगर आप दो साल से देखो तो 150 के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करा था, 150 कभी कभी कभार 160-165 तक जाता था लेकिन नीचे आ जाता था। अब की बार पहली बार 2018 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है 5 साल के बाद कि जब ये स्टॉक ये जो पूरा रेजिस्टेंस बैंड था 160 से लेके 170 तक का ये ब्रेक करके ऊपर चला है, तो 5 साल के बाद स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो ये मूव इमीडिएट उठने नहीं वाली है, ये स्टॉक में हमें एक 20-30% काइंड ऑफ एन अपसाइड जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इसमें एक फ्रेश बाय बन सकता है, 160 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 220-230 इस तरीके के टारगेट्स बनेंगे। थैंक यू गीतू। तो इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं, एक बार फिर आपको याद दिला देखिए अगर आपका भी कोई सवाल हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, हमारा टोल फ्री नंबर एक बार आप फिर नोट कर लीजिए 1800-1200-4775 और 00-1204775। आप अपने सवाल यूट्यूब के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं, वहां कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने सवाल पोस्ट कर दीजिए, हम अगर आप प्रोग्राम के दौरान ही सवाल पोस्ट करते हैं तो हम उसको उसी समय लेने की कोशिश करेंगे, अगर आप बाद में पोस्ट करते हैं तो उनसे अगले कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।